मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर एनसीपी का नया बॉस कौन होगा। शरद पवार अपनी जीवन से जुड़ी एक किताब के विमोचन पर बोलते हुए कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला लिया है। वहीं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बाद अब उनके बेटे अमित ठाकरे ने भी सत्ता को लेकर बड़ा दावा किया है। अमित ठाकरे ने दावा किया है कि हम जल्द ही सत्ता में होंगे, जिसके बाद एक बार फिर सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक ट्रांसजेंडर की पीट पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भिवंडी के गैवी नगर में रहने वाले दो ट्रांसजेंडर के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा झगड़े होते थे। इसी तरह से एक झगड़े के दौरान एक ट्रांसजेंडर ने दूसरे ट्रांसजेंडर की पीट पीट कर हत्या कर दी। मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो ने मादक पदार्थ जब्त करते हुए गिरोह के सरगना सहित दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 किलो मेफेड्रिन पाउडर और 36 लाख रुपए सहित सोने के ज्वेलर्स भी बरामद किए गए। मुंबई के महान खुर्द इलाके में झगड़े के दौरान फरजाना नामक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। झगड़ा दो परिवारों के बीच में था, तभी आरोपी मोनू सिंह और उसका बेटा आतिश सिंह हथियार लेकर पहुंचे और फरजाना को गोली मार दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। देश के हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में एक बार फिर गैंगवार हुआ है। गैंगवार में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। तिहाड़ जेल में 19 दिन में दूसरी बार गैंगवार हुआ है। 14 अप्रैल को दिल्ली के गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई थी। 2 मई को योगेश टुंडा और उनके साथी दीपक तीतर ने लोहे की रॉड से टिल्लू पर हमला किया और उसकी मौत हो गई। मुंबई और नवी मुंबई में एक बड़े साइबर अपराध रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मुंबई के वीपी रोड पुलिस ने 23 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान उमर हसन सैयद के रूप में हुई है। ये व्यक्ति कमीशन देने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए घोटाले के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। अपने ही बेटे के हत्या के मामले में शाहिद नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला बिजनौर के हाजीपुर का है, जहां 22 साल के गुलफाम को उसके ही पिता शाहिद ने चाकू मारकर 5 मार्च को हत्या कर दी थी और तभी से फरार चल रहा था, मगर पुलिस ने अभी इसे गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा शहर के रेलवे के एक बंद कमरे में एक 17 साल की नाबालिग लड़की की लाश मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लाश पर कपड़े नहीं थे। कमरे से बदबू आने के बाद लोगों ने जब देखा तो अंदर नग्न अवस्था में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चलती हुई कार की सीएनजी सिलेंडर फटने से कार में आग लग गई, जिससे एक युवती और युवक के झुलसने की भी खबर सामने आई है। नोएडा सेक्टर 51 होशियारपुर की ये पूरी घटना है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जलती हुई कार पर आग पर काबू पाया।